150 का जो स्पीड है ना वो इजिली क्रॉस कर जाता है। हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि आप लोगों को पता है, माइकल के पास ऑलरेडी काफी अच्छा सा एक घर, 2-3 कार का कलेक्शन है, बट गाइस बंदे के पास ना एक भी बाइक का कलेक्शन नहीं है। वो हमेशा से चाहता है कि उसके पास एक अच्छा सा बाइक हो। क्या बात है सर। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाइक को अफोर्ड कर पाए। लेकिन इसको देखते हुए उसके दोस्त फ्रैंकलिन ने सोचा, क्यों ना माइकल को एक अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए। माइकल के पास ना अंधा पैसा पड़ा हुआ गाइस, तो इसको देखते हुए माइकल ने ब्रांड न्यू KTM RC 390 को इंडिया से इम्पोर्ट करवाया है। और इसका जो प्राइस पड़ा है वो लगभग 2.5 लाख इंडियन रुपी, 5.5 हजार US डॉलर पड़ा है। ये वाला जो बाइक है ना, काफी ज्यादा मस्त भी बाइक है, माइकल को यार काफी ज्यादा पसंद आएगा। और गाइस इसका जो कलर है ना वो ब्लैक लिया, क्योंकि व्हाइट कलर अवेलेबल नहीं था। और गाइस ब्लैक कलर माइकल का फेवरेट कलर है। ओके, एक बारी गाइस इसका लुक आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो ये आगे से जो है ना, इसका कलर काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। और ये देखो ब्लैक कलर चारों तरफ से आप लोगों को ब्लैक ही ब्लैक कलर नजर आ रहा। ओके, तो एक बार इसका गाइस आप लोगों को एक बार साउंड सुना देते, उसके बाद हम लोग चलते हैं माइकल के पास। ये देखो यार इसका जो साउंड है ना वो काफी ज्यादा मस्त साउंड लग रहा है, जैसा कि आप लोग सुन ही रहे हो। ओके, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको जो हम लोग टो ट्रक से माइकल के घर तक पहुँचाए, बट उसमें हम लोगों को जो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है। तो यार फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया कि फ्रैंकलिन खुद इस वाले बाइक को ड्राइव करके माइकल के घर तक पहुँचाएगा। और माइकल जो है गाइस देख करके ना फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा खुश भी होने वाला है। ओके, तो फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं माइकल के घर। चलो भाई। बट यार माइकल के पास ना ढंग का यार बाइक भी नहीं था। वो कोई भी मिशन करने के लिए जाता था तो वो अपना खटारा कार को लेकर के जाता था। माइकल काफी टाइम से चाहता भी था उसके पास एक अच्छा सा बाइक हो। जब ये वाला बाइक वो देखेगा ना तो काफी ज्यादा ये बंदा खुश भी हो जाएगा। ओके, तो फटाफट से हम लोग चलते हैं गाइस माइकल के घर। और देखो यार इसका जो स्पीड है वो अभी से, ओ भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसका, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो भाई साहब, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो 10 सेकेंड के अंदर ही पहुंच जाता है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं यार माइकल के घर, और उसको जो हम लोग काफ़ी बड़ा सा सरप्राइज़ देने वाले हैं, और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश भी होने वाला है ये वाला बाइक को देखने के बाद। ओके, तो फटाफट से चलते हैं अभी हम लोग माइकल के घर। वेल, तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं माइकल के घर, और ये बंदा को हम लोग जो वो सरप्राइज देते हैं। फटाफट से माइकल को कॉल लगाते हैं और बुलाते हैं बंदा को बाहर। अभी भी थोड़ी देर पहले माइकल से बात हुई, और माइकल कह रहा था कि यार वो अभी जो है कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। वो बोल रहा था कि उसके गैराज में ये वाला बाइक को खड़ा कर देने के लिए, वो जब आएगा तब बाइक को देख लेगा। फटाफट से इस वाले गैराज में खड़ा कर देते, बट गाइस ये गैराज तो खुल नहीं रहा है। एक काम करते यार, बाइक को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, और जब माइकल आएगा ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाला है इस वाले बाइक को देखने के बाद। फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने घर। The next day. All right guys, तो माइकल आ चुका अपने घर। और यार माइकल को आने में रात में काफी ज्यादा टाइम हो गया था। फ्रैंकलिन को कॉल करके ना वो गैराज में अपना बाइक को रखने बोला था। बंदा देखो तो यार कितना ज्यादा खुश लग रहा है, क्योंकि यार इसके पास जो वो अपना बाइक होने वाला है, और इसको वो आज ड्राइव करके टेस्ट करने वाला है। इसको जो हम लोग कोई अच्छा सा ड्रेस पहना देते हैं, क्योंकि गाइस इसका जो वो आज स्पेशल डे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार सूट और जैकेट में ये बंदा काफी ज्यादा मस्त लगेगा। A few moments later. गाइस ये देखो माइकल को हम लोग ने कोट और जींस पहना दिया, और ये बंदा देखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसको मिल चुका है अपना ब्रांड न्यू KTM, और जा रहा है गाइस ये अपने गैराज में देखने के लिए। ओके, ये देखो माइकल का ब्रांड न्यू KTM। माइकल यार बैठ भी गए यहाँ पे। तो फटाफट से गाइस एक बार आप लोग को इसका लुक दिखा देते हैं। इसका लुक है ना काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। फ्रैंकलिन ने ब्लैक कलर का KTM मंगाया था, बट माइकल बोल रहा था कि यार ब्लैक कलर उसको पसंद नहीं है, इसलिए ये बंदा 12 से इम्पोर्ट करवा के व्हाइट कलर में लेकर के आ गया। और व्हाइट कलर भी ना काफी ज्यादा लग रहा है। रियल जो गैंगस्टर वाले फीलिंग है ना वो माइकल का एकदम लग रहा है। ओ भाई साहब, बंदा जा रहा है बाइक को टेस्ट करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ बाइक को रिपेयर करवाए गैराज में जा करके, इसका जो ब्रेक व्रेक है ना रिपेयर करवाएंगे, इसके बाद जो माइकल जाने वाला एयरपोर्ट। तो फटाफट चलते गैराज, एक बार हम लोग आगे से देख लेंगे। गाइस रियल गैंगस्टर का फील वो माइकल को देखने से लग रहा है। गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग गैराज, फटाफट थोड़ा बहुत रिपेयर करवाते हैं। A few moments later. All right, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो ब्रेक्स को टायर्स को रिपेयर करवा लिया। तो फटाफट से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से लुक जो है वो KTM का कैसा नजर आता है। ओ भाई साहब कितना ज्यादा मस्त लग रहा है ये बंदा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिपेयर करवा लिया। फटाफट से चलते एयरपोर्ट, और वहाँ पर स्पीड टेस्ट वो करने वाले हैं। माइकल सोच रहा था कोई मिशन करने के लिए इस बाइक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ बाइक को लेकर के माइकल कौन सा मिशन करे, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। चलते एयरपोर्ट, मेन स्पीड टेस्ट है ना वो होने वाला है। A few minutes later. All right, आ चुके यार फाइनली एयरपोर्ट के अंदर,
और इसका मेन स्पीड टेस्ट वो यहाँ पर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रनवे पे स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। ओ भाई साहब, ये देखो 5 सेकंड के अंदर ये बाइक 100+ किलोमीटर का स्पीड यहाँ पे आ चुका, 150 का स्पीड उसको ये वाला बाइक इजिली वो यहाँ पे टच कर रहा। इसका फुल स्पीड है ना वो चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो घूम जाते हैं तो सबसे बड़ा रनवे है ना वो थोड़ा से आगे है। तो यहाँ से हम लोग मेन स्पीड टेस्ट हम लोग चेक करने वाले हैं कितना ज्यादा इसका टॉप स्पीड होने वाला है। यहाँ पर 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इजिली यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग को सामने प्लेन भी नजर आ रहा है। ओ भाई, ये देखो 160 का जो स्पीड है वो इजिली ये वाला बाइक क्रॉस कर रहा है। ओके, तो यार माइकल जो है ना काफी ज्यादा यहाँ पे खुश भी हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले बाइक को ना हम लोग जंप करवाए। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से हम लोग जो ना इस वाले बाइक को जंप कराने वाले। ओके, तो ये ओ भाई, ओके, तो यार ये देखो इजिली यहाँ पे जंप हो चुका, बट इससे भी और ज्यादा हम लोग जंप कराने वाले। ओ भाई साहब, ये वाला जो एरोप्लेन है ना काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अरे ऐसा एरोप्लेन का जो कलर है ना वो हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखा है, ये पीला पीला कलर का, ये मस्त सा एकदम कलर लग रहा है। यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे जंप कराने वाले हैं। इस बार गाइस हम लोग फुल स्पीड में वो जंप कराने वाले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा भाई, यार ये बंदा यहाँ पे गिर चुका। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे जंप कराने वाले और देखते इसका जो ये जंप कितना स्पीड में जाता। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, ओ भाई साहब ये तो काफी ज्यादा लंबा जंप कर लिया, यहाँ पे एरोप्लेन के नीचे से लेकर के जाते हैं। ओके, तो यार ये जो एरोप्लेन है ना ये काफी ज्यादा बड़ा सा एरोप्लेन है। ओके, तो फटाफट से इसको जो हम लोग ना एक बार इसका टॉप स्पीड जो चेक कर लेते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं रनवे में। ये देखो यार 140 का जो स्पीड है ना वो इजिली क्रॉस कर जाता है। एक बार इसको आगे से हम लोग देख लेते हैं, क्या जबरदस्त इसका लुक लग रहा है भाई साहब। ये वाला बाइक को लेकर के अगर माइकल मिशन करेगा ना काफी ज्यादा मजेदार मिशन होगा गाइस, और काफी ज्यादा मस्त भी लगने वाला है इस वाले बाइक को लेकर के। यहाँ पर होता है ये वाला स्पीड टेस्ट खत्म, तो हम लोग चलते हैं माइकल के घर, बाइक माइकल के गैराज में रख देते हैं। गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग माइकल के घर, फटाफट से इस वाले बाइक को हम लोग गैराज में रख देते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।